बच्चों, आज मैं शब्द के अंत में और बीच में लगने वाले न आंकड़े के शब्दों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यस स्टार्ट। पुंज, पुराण, उठान, मंजूर, मिलन, मगन, फिसलन, चारण, थकान, खाना, चिकन, चंदन, ईमान, अर्जुन, अर्जन, आसमान, अधिष्ठान, अनबन, अपमान, कोपिन, कोचिन, कफन, कथन, कुलीन, कूपन, संतान, रुग्ण, पुराण, ढलान, तकनीक, तिनका, तानना, तूफान, दारुण, लालटेन, निष्ठावान, नागवंश, निपुण, दालान, दातून, जमीन, रोपण, रूपवान, रघुवंश, दुकान, बलवान, ध्वंस, गबन, गगन, कमान, पंच, पूना, पॉपिंस, पठन, अभिमान, पौराणिक, उऋण, उड़ाना, नामंजूर, मंडन, मालन, फूलन, चालान, सदन, चुभन, इंजन, अरमान, अचकन, अनजान, अनुदान, वनवास, कंपन, अंजन, कुंज, कोचवान, कालीन, भुगतान, तोरण, सेवन, फोन, उलझन, तपन, तड़पन, निम्न, नवीन, निदान, नमन, हॉकिंग्स, जननी, निकुंज, हनुमान, कुंदन, दमन, दुश्मन, गोदान, जामुन, जलपान, जलन, उच्चारण, राजवंश, रेंज, रोमांस, सूजन, सर्जन, बावन, धड़कन, धुवांस, टोकन, हवन, एम्बुलेंस, खानपान, आधुनिक, चुंबन, अनुगुंज, रमजान, साधन। बच्चों, इसकी रेखाकृति भी देख लीजिए। जो मैंने आपको डिक्टेशन दिया उसकी रेखाकृतियाँ कैसे बनती है, ये सारी नीचे दी हुई है, इसको आप मिलान भी करें। इसी तरीके से बाकी बची हुई ये रेखाएँ, इसको आप इससे मिलान करिए ताकि आपको पता लगेगा कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। इसको आप बार बार डिक्टेशन लेते रहें ताकि आपको न के आंकड़े की आउटलाइन कैसे बनती है उसकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। धन्यवाद।